करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी हैं। मांझी जी, इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? हमारे दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट अंतिम है और सुप्रीम कोर्ट का सिंगल बेंच का मामला नहीं है, कि कंस्टिट्यूशन बेंच का है, 5 जजेस न्यायिक आदेश है। इस चीज़ को सबको मानना चाहिए, और चाहे प्राइम मिनिस्टर हों या अन्य संस्थाएं हैं, चाहे मुस्लिम या हिंदू का, सभी लोग यही रट लगाते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको मानना चाहिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो निश्चित रूप में सबको शिरोधार्य करना चाहिए और देश में शांति और सौहार्द का वातावरण कायम रहे, इसका प्रयास करना चाहिए। क्या जीत का जश्न ना हो या हार का गम ना हो, इसके लिए भी कुछ संदेश आ गया? निश्चित रूप में ये न किसी की जीत है न किसी की हार है, और इस रूप में ले करके अगर चलेगा लोग सम्मान रूप में, तभी देश में शांति और सौहार्द की बात ना रहेगी, और नहीं तो कोई जीत से बहुत उत्साहित होगा या हार से बहुत गमगीन होगा, दोनों परिस्थिति हमारे देश के लिए ठीक नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति हम पहले भी कर चुके हैं, आज भी मेरा कहना है कि इसको न किसी की जीत मानी जाए और न किसी की हार मानी जाए, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, ऐसी मेरी इच्छा है। क्या अब इस मुद्दे पे राजनीति बंद हो जाएगी, एक तरह से राजनीतिक दुकानें लोगों की बंद हो जाएगी? अब कोई मुद्दा उठा करके राजनीति करते आ रहे हैं लोग, वो सब जानता है, उसके बारे में हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन ये मुद्दा जो राम मंदिर का मामला है अब शांत हो जाने की स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में बहुत लोग अब नया मुद्दा खोजेंगे, और इस मुद्दा का प्रसार होने से ही हम समझते हैं कि देश को फायदा है।